कि इमरान खान साहब अगर चाहें तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब भी जेल से बाहर आ गए थे। कोई और कोशिश कर रहा है कि उनको एक्सटेंशन दिलवाई जाए किसी ना किसी तरीके से, इसीलिए सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ। पैमरा कोई ऑर्डर जारी नहीं करती, कोई अदालत ऑर्डर जारी नहीं करती, बस कहीं से टीवी चैनल्स और अखबार की मैनेजमेंट को फ़ोन किया जाता है और फिर उस फोन की बुनियाद पर काम चलता रहता है। प्रेस फ्रीडम के हवाले से और सेंसरशिप के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत से बहुत ही बुरी है। जो लोग हमें डिक्टेशन देते हैं या हम पर सेंसरशिप लगा रहे हैं, उनमें अखलाकी जरूरत नहीं है कि खुद सामने आए और कुछ एंकर्स को अपने साथ मिला के, कुछ कॉलम नगारों से अपने हक में कॉलम लिखवा के ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जब चीफ जस्टिस नहीं थे तो ये मीडिया फ्रीडम के बहुत बड़े लंबरदार थे, लेकिन इनके दौर में सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात बने, सहाफ़ी गिरफ्तार किए गए। इस्टेब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं अली मीन गंडापुर के ज़रिए, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिक्टेशन कबूल नहीं की है, इसलिए वो अभी तक जेल में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर है सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, उसके मुताबिक तो वो कहते हैं जी कि ये हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एजेंडा है और हमारे 2024 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है और मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है। तो फिलहाल तो वो यही क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा अपना एजेंडा है। फिलहाल तो हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है वो अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो फिर कोई तोहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं तो फिर हुकूमत के लिए खतरात हो सकते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान को कब तक जेल में रखना है। तो जिन्होंने उसको जेल में रखना है, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। ये पाकिस्तान की अगर आप अदालती तारीख देखें तो जुडिशरी जो है वो हमेशा से तकसीम ही रही है, और इस वक्त जो आपको तकसीम नज़र आ रही है ये दरअसल आपकी पूरी सोसाइटी में जो एक पोलराइजेशन है ये उसकी अक्कासी करती है। और एक तरफ काजी फ़ाइज़ा साहब हैं, दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब हैं। काजी फ़ाइज़ा साहब को हुकूमत सपोर्ट कर रही है, मंसूर अली शाह साहब को अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। तो ये ऐसा लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि जो हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं वो भी सियासी बुनियादों पे तकसीम हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब जब भी चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं, उन्होंने कोई डिक्टेशन कबूल नहीं की है, इसलिए वो अभी तक जेल में। इमरान खान साहब अगर चाहें तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब भी जेल से बाहर आ गए थे, तो वो जब नहीं चाह रहे तो नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है वो अभी पिंडी में भी जलसा करना चाह रहे हैं, फिर मियांवाली में भी करेंगे और फिर वो 2 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान लाहौर में भी जलसा करेंगे, तो वो पंजाब में ही कोशिश कर रहे हैं मोबिलाइज करने की, ये उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है। देखिए, ये है सबसे अहम सवाल कि आज के दौर में पाकिस्तान में जो मीडिया की आज़ादी है वो कितनी है और मीडिया जो है वो कितना सच बोल रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मीडिया की सूरत हाल है वो वही है जो इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंट की और जुडिशरी की है। जिस तरह आपको पार्लियामेंट के अंदर बहुत पोलराइजेशन नज़र आ रही है और पार्लियामेंट आपको ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर है, और पिछले दिनों तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर से जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, नकाबपोश गिरफ़्तार करके ले गए, इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट कितनी कमज़ोर है। और जो जुडिशरी में पोलराइजेशन है वो आपके सामने है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि जी मैं एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है और उसका सरबराह काजी फ़ाइज़ा साहब को बनाना चाहती है। जिस तरह काजी फ़ाइज़ा साहब ने एक सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए अपने इख्तियारात जो हैं वो बहाल करवाए हैं, उससे तो ये लगता है कि उनका मूड नहीं है। अगले महीने 26 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, लगता तो ये है कि उनका मूड नहीं है कि वो रिटायरमेंट जो है वो उस पर जा रहे हैं, वो शायद कोशिश कर रहे हैं या कोई और कोशिश कर रहा है कि उनको एक्सटेंशन दिलवाई जाए किसी ना किसी तरीके से, इसीलिए सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है। तो वहाँ पे भी आपको पोलराइजेशन नज़र आ रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे, यही सूरत हाल मीडिया में भी है।
और मीडिया में आपको नज़र आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 जजेस का फैसला सामने आता है तो टीवी चैनल्स पर वो सहाफ़ी जो हैं वो ये ऐलान करते हैं कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, जिनके बारे में सबको पता है कि ये किसके तर्जुमान हैं। तो उसके बाद फिर शाम को जो हुकूमत है वो भी यही कहती है कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। तो अब इसमें आप देखें कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हम यही कहते थे कि आईन और कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। उस वक्त जब पैमरा ने नवाज़ शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगाई थी तो हमने उसकी मुखालफत की थी। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, अब इमरान खान की तस्वीर या उनका क्लिप चलाने पर या उनकी तस्वीर दिखाने पर या उनका बयान चलाने पर पाबंदी है, हम उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये जो पाबंदियाँ थीं ये पैमरा के ज़रिए लगाई जाती थी और बाकायदा एक पैमरा एक ऑर्डर जारी करती थी और फिर हम उस ऑर्डर को कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कभी कहीं पर चैलेंज करते थे। तो जो कुछ भी होता था वो ब्लैक एंड वाइट में हमारे सामने होता था। इस दौर में जो पाबंदियां हैं, जो सेंसरशिप है, ये गैर एलानिया है। पैमरा कोई ऑर्डर जारी नहीं करती, कोई अदालत ऑर्डर जारी नहीं करती, बस कहीं से टीवी चैनल्स और अखबार की मैनेजमेंट को फ़ोन किया जाता है और फिर उस फ़ोन की बुनियाद पर काम चलता रहता है। अब इमरान खान की तस्वीर या उनका क्लिप जो है वो आप कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता, इस बारे में पैमरा को कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। और जब हम कहते हैं जी कि ये एक गैर आइनी इकदाम है और हमें डिक्टेशन कबूल नहीं करनी चाहिए तो कहा जाता है जी कि ये जो है ये पीटीआई के हामी हैं, जबकि मैं वो साफ़ी हूँ जिस पर पीटीआई के दौरे हुकूमत में 9 महीने की पाबंदी रही थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो प्रेस फ्रीडम के हवाले से और सेंसरशिप के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत से बहुत ही बुरी है। और कंपेयर करें अगर आप, तो उस वक्त हमें पता था कि पैमरा जो है उसके ज़रिए हम पे प्रेशर डलवाया जाता है, सेंसरशिप लगवाई जाती है। अब पैमरा का कोई ऑर्डर ही नहीं आता और एक नामालूम फ़ोन कॉल जो है उस पर मीडिया जो है उसको डिक्टेट किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हमें डिक्टेशन देते हैं या हम पर सेंसरशिप लगा रहे हैं उनमें खलाकी जरूरत नहीं है कि ख़ुद सामने आए। तो पहले वो पैमरा को इस्तेमाल करते थे, अब वो टीवी चैनल्स और अखबारात के मालकान को इस्तेमाल करते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है और इस तब्दील होती हुई दुनिया में ये अखबारात की हेडलाइंस को तब्दील करवा के, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस को तब्दील करवा के और कुछ एंकर्स को अपने साथ मिला के, कुछ कॉलम नगारों से अपने हक़ में कॉलम लिखवा के ये पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्योंकि अब अगर मैं टीवी चैनल की स्क्रीन पर आकर मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं तो पब्लिक बेवकूफ़ तो नहीं है, उसको फ़ौरन समझ आ जाएगी ये हामिद मीर जो है ना इसने कहीं ना कहीं अपना काम फिट कर लिया है, इसलिए ये अब ये हमारे साथ गलत बयानी कर रहा है। तो जो लोग इस वक्त मीडिया पर आके और हुकूमत के गैर आइनी इकदाम और सेंसरशिप की इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं उनको पता है, अच्छी तरह पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये गलत काम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके कुछ मुफादात हैं। और इसलिए हमने पहले भी इमरान खान के दौर में भी सेंसरशिप को मुस्तरद किया था, हम आज भी मुस्तरद करते हैं और आइंदा भी जो हुकूमत आएगी उसने भी अगर सेंसरशिप लगाई हम उसको भी मुस्तरद करेंगे। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि जितनी सेंसरशिप मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ा के दौर में हमने देखी है पिछले एक साल के दौरान, क्योंकि ये जब चीफ जस्टिस नहीं थे तो ये मीडिया फ्रीडम के बहुत बड़े लंबरदार थे, लेकिन इनके दौर में सहाफ़ियों पे झूठे मुकदमात बने, सहाफ़ी गिरफ्तार किए गए, इनको अच्छी तरह पता है कि कौन किस तरीके से हम पे सेंसरशिप लगाता है, वो बिल्कुल अपना खामोशी से काम कर रहे हैं। बल्कि उल्टा वो अब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो मीडिया के लोग जो हैं, रिपोर्टर्स हैं, ये बिके हुए लोग हैं। अब इन्होंने वही ज़ुबान बोलनी शुरू कर दी है जो एक ज़माने में इनके ख़िलाफ़ जो लोग रेफरेंस लेके आए थे वो लोग जो ज़ुबान बोलते थे, अब वही ज़ुबान काजी फैज़ा साहब बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमने इससे भी बुरा वक्त देखा है, वो वक्त गुजर गया तो ये भी गुजर जाए।